इंडी गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में खत्म हो चली है। इस मीटिंग में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर कोई चर्चा नहीं हुई। ये मीटिंग तकरीबन 3 घंटे तक चली। बैठक में सांसदों के निलंबन और ईवीएम के मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि 28 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। सभी पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने विचार रखे। खड़गे ने बताया कि 22 दिसंबर को देश भर में प्रदर्शन होगा। देश भर में 10 जनसभाएं होंगी। वहीं 30 जनवरी को इंडिया गठबंधन साझा रैली करेगा, मगर नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वैसे भी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की बैठक में अगले लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे, साझा जनसभाओं और नए सिरे से रणनीति बनाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। पटना, बेंगलुरु और मुंबई के बाद दिल्ली में आयोजित की गई गठबंधन की ये चौथी बैठक थी। सूत्रों का ये कहना है कि इस बैठक में सकारात्मक एजेंडा तय करने, सीटों के बंटवारे, नए सिरे से रणनीति बनाने और साझा जनसभाओं को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हुई। इस बैठक से पहले टीएमसी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा था कि इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद किया जाएगा। दिल्ली के अशोका होटल में हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, जनता दल यूनाइटेड से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, टीएमसी से ममता बनर्जी और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल से लालू यादव और तेजस्वी यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, शिवसेना यूबीटी से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकुर ने हिस्सा लिया। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव, द्रमुक से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और वरिष्ठ नेता टीआर बालू, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, अपना दल के से कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल समेत कई अन्य नेताओं ने इस बैठक में भाग लिया। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि गठबंधन की जो समितियां बनाई गई थी वे पर्दे के पीछे काम कर रही थी और चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन में आगे की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर वे बोले कि सभी की भूमिका एक समान है और सभी का साझा उद्देश्य विभाजनकारी ताकतों को सत्ता से बाहर करना है। वहीं कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों का इरादा एकजुटता बनाए रखते हुए मैं नहीं हम नारे के साथ आगे बढ़ने का है। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक 23 जून को बिहार के पटना में हुई थी, जबकि विपक्षी दलों की दूसरी बैठक 17 और 18 जुलाई को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई थी। वहीं इस साल 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक हुई, जब 14 सदस्यीय समन्वय समिति और 19 सदस्यीय चुनाव रणनीति समिति की घोषणा की गई। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए करीब 28 पार्टियां एक साथ आई हैं। अब देखना ये होगा कि इसमें एकजुटता कितनी रह पाती है।